हे गाइस, सो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, एज यू नो कि आई हैव क्लियर SSC CHSL 2 टाइम्स एंड राइट नाउ आई एम LDC मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो गाइस, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया है मैंने, जो CHSL की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक है और साथ में विटामिन्स की इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो गाइस, पहले बात कर लेते हैं विटामिन्स जो है वो क्या होते हैं। देख गाइस, जैसे फैट से, कार्बोहाइड्रेट से सबसे हमें एनर्जी मिलती है, विटामिन से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती। ठीक है गाइस, तो विटामिन्स लेकिन ऐसे हैं कि अगर इनकी कमी हो जाएगी शरीर में तो इसकी वजह से हमें काफ़ी सारी बीमारियां हो सकती हैं, रोग हो सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अब बात कर लेते हैं कि विटामिन्स जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होता है इनकी कमी से, कौन से रोग होते हैं। ठीक है गाइस, और कौन से विटामिन्स होते हैं जो हमें काफ़ी सारी चीज़ें याद रखने में मदद करते हैं, है ना। कौन से विटामिन्स हमें जो है शरीर हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं, वो सब चीज़ देखते हैं आज इस वीडियो में। ठीक है गाइस, तो बात कर लेते हैं पहले विटामिन्स जो कॉइन किया गया वो टर्म किसने दिया है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो विटामिन सबसे पहले याद रखिएगा, कैस्मीर फंक ने कॉइन किया था टर्म ये विटामिन। तो विटामिन टर्म वॉज कॉइंड बाय कैस्मीर फंक, और फर्स्ट विटामिन जो डिस्कवर किया गया था वो था विटामिन B1। ठीक है, तो गाइस याद रखिएगा कौन सा विटामिन था, B1। ठीक है, तो अब जब विटामिन B1 डिस्कवर किया गया था तो पहली बीमारी भी इसी से डिस्कवर की गई होगी कि इसके कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो बेरी बेरी वॉज द फर्स्ट डिसीज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन B1। अच्छा गाइस, तो एक विटामिन सी है जो कि सबसे पहले फर्मेंटेशन के द्वारा मतलब डिस्कवर किया गया था, है ना। तो फर्मेंटेशन किया जाता है, तो उससे पहला विटामिन जो था वो विटामिन सी था। अब गाइस, इसमें जो इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में दे देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज फैट सॉल्युबल, कौन सा विटामिन फैट सॉल्युबल, वसा में घुलनशील है। तो गाइस ध्यान रखिएगा कि कीड़ा, से रखिएगा, कीड़ा वसा में घुल जाता है। ठीक है, आप कीड़े को अगर पानी में मिलाएंगे तो वो मिलेगा नहीं, दिखता रहेगा मतलब, है ना। वसा थोड़ा सा मतलब वो होता है भारी रंग का होता है तो वो दिखेगा नहीं। तो कीड़ा जो है वो वसा में घुलनशील होता है, तो सुबह शाम याद रखिएगा कीड़ा 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 वसा। ठीक है, तो कीड़ा जो है वसा में घुलनशील होता है। कीड़ा मतलब कि KEDA, KEDA। तो कौन से विटामिन फैट सॉल्युबल हो गए, ठीक है, तो याद रखिएगा KED और A, ये जो विटामिन है ये फैट सॉल्युबल है। कीड़ा कीड़ा है ना, ये फैट सॉल्युबल वसा में घुलनशील है, और पानी में कौन सा घुलनशील है, BC। ठीक है, ये तो याद हो जाएगा, BC तो है ना, रोजाना की लैंग्वेज में यूज़ करते हैं BC, है ना, तो इसलिए याद हो जाएगा कि वाटर सॉल्युबल है। ठीक है गाइज, अब आते हैं विटामिन ए पे। तो गाइज, इनके केमिकल नेम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, रासायनिक नाम जो है। तो इनकी एक ट्रिक है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिस ट्रिक से मैंने याद किया है। ठीक है गाइज, तो जैसे कि आपने पिक्चर देखी होगी, टॉयलेट एक प्रेम का था, गदर एक प्रेम का था, ऐसी मैंने रथ एक, ये जो है ये है रथ एक टॉफी। ठीक है गाइस, रथ एक टॉफी, तो जिसमें कि ये एक ट्रिक है याद करने की विटामिन्स के केमिकल नेम, है ना, और ये सीरियल वाइज है तो याद रहेगा। रथ एक टॉफी आप रात दिन से पढ़ते रहेंगे तो याद रहेगा। तो रे से रेटिनॉल जो कि विटामिन ए का केमिकल नेम है, थे से थाइमिन जो कि विटामिन बी का केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है, ए से एस्कॉर्बिक अम्ल जो कि विटामिन सी का है, कैसे कैल्सीफेरॉल जो कि विटामिन डी का है, टो से टोकोफेरॉल जो कि विटामिन ई का है, और लास्ट में फी से फिलोक्विनोन, है ना, जो कि इसका के का रासायनिक नाम है। ठीक है गाइस, तो स्पेलिंग बेशक ही याद ना हो, कोई दिक्कत नहीं, नाम याद कर लेना, वहाँ पे टिक मारना है हमें और मार्क्स लेने हैं किसी भी तरह से। ठीक है, तो अब आ जाते हैं वापस से विटामिन ए पे। तो गाइस, विटामिन ए के सोर्स इसका केमिकल नेम, क्योंकि आजकल जो कॉम्पिटिशन इतना टफ हो गया आपको पता ही है, तो डायरेक्ट विटामिन ए ना देखे रेटिनॉल से पूछा, रेटिनॉल से कौन सी डिसीज होती है, रेटिनॉल कौन से विटामिन से मिल, कौन से सोर्सेज में मिलता है, ठीक है, किस चीज़ में मिलता है। तो सोर्स जो है इसके, स्रोत जो है जहाँ से हमें मिलता है विटामिन ए, वो योक है, बटर है, मिल्क है, फिश है, लिवर है, ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं और ग्रेन्स जो होते हैं, इनसे हमें मिलता है। और गाइज याद रखिएगा, विटामिन ए जो है वो लीवर यानी कि यकृत में जमा हो जाता है। ठीक है, और इसकी डेफिशिएंसी कौन से विटामिन, तो रेटिनॉल यानी कि रेटिना टाइप से इसका आ रहा है, तो ट्रिक से आप कर सकते हैं रेटिनॉल रेटिना, है ना। तो इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होगी, रेटिना संबंधित, रेटिना आँख में होती है तो इसकी वजह से होती है नाइट ब्लाइंडनेस या जेरोप्थेलमिया, ड्राई आइज। ठीक है, ड्राई आइज मतलब कि आँखें सूखने लग जाती, लाल लाल सा हो जाती है आँखें, है ना, थोड़ी देर काम करने के बाद, मतलब उसमें सूखापन सा आ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं विटामिन डी पे। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। ठीक है,
और 80% जो विटामिन डी मिलता है वो मिलता है हमें जो हमारी स्किन के अंदर होती है, सनलाइट स्किन के अंदर जो होता है विटामिन डी स्टोर हो जाता है। ये आपको पता है ये वसा में घुलनशील है, तो वसा में घुल जाता है, ये फैट सॉल्युबल है तो स्किन में घुल जा जमा हो जाता है। लेकिन जब सनलाइट पड़ती है तो उसकी जो यूवी रेज जो है वो इसको हेल्प करती है बाहर लाने में, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि 10 बजे तक की धूप जो होती है काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि यूवी रेज जो है ज़्यादा होती है, तो इस वजह से हमें विटामिन डी बन जाता है, ठीक है। विटामिन डी उसके अंदर नहीं आता, विटामिन डी हमारे स्किन से ही फैट से टूट कर हमारे शरीर के अंदर मिल जाता है। और जो रिमेनिंग 20% है वो मिलता है हमें डीप सी फिशेस से, लिवर से, बटर जो ये जैसे कॉड लिवर ऑयल आता है, डीप सी फिशेस होती हैं इनके लिवर में, बटर में, मिल्क में, मिल्क में भी होता है ये विटामिन डी, ठीक है। और इसकी कमी से रिकेट्स जाता है, रिकेट्स में जो लेग्स हैं वो थोड़ी टेढ़ी टाइप्स जाती है ना, तो वो आप गूगल कर लीजिएगा रिकेट्स क्या होता है, तो आपको ईजिली आपको समझ भी आ जाएगा, ठीक है। और ये कैल्शियम और फॉस्फोरस का डाइजेशन करता है, उपापचय करता है, ठीक है, हमारी बोन्स के अंदर भी, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं विटामिन ई पे, जो उसका केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। इसे ब्यूटी विटामिन कहा जाता है क्योंकि ये जो है हमारे शरीर में, मतलब जो हमारे वो फेस है उस पर ग्लो लाता है ना, और ये लिवर पे, वो ये लिवर में डेवलप हो रहा है, और विटामिन ए जो है वो स्टोर हो रहा है लिवर में, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। और ये जो है ये कहाँ से मिलते हैं, सोर्सेस के ग्रीन वेजिटेबल्स, नट्स, है ना, और अंडे की जर्दी, सोयाबीन, इन सब में मिलता है हमें, है ना। और जो नेक्स्ट है, इसकी डेफिशिएंसी से कौन सा विटामिन ई की डेफिशिएंसी से, कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी वजह से हेयर फॉल और इनफर्टिलिटी होती है, यानी कि नपुंसकता और बाल झड़ने लग जाते हैं, मतलब पेशे कमजोरी भी आती है विटामिन ई की कमी से, ठीक है। तो ये विटामिन ई तक के, ठीक है। अब नेक्स्ट विटामिन की बात कर लेते हैं, तो विटामिन के जो कि फिलोक्विनोन होता है, इसके जो सोर्सेज हैं वो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, अंडा, गोभी, सोयाबीन है, और ये हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। तो जब ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है तो कैल्शियम आयंस भी इसके साथ काम करते हैं, इसलिए विटामिन के को काफ़ी इंपॉर्टेंट माना गया है ब्लड क्लॉटिंग्स में, ठीक है। तो खून का थक्का जमाने में मदद करता है। नेक्स्ट है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल, ये हमें मिलता है सिट्रस फ्रूट से, जैसे कि आंवला, लेमन, ऑरेंज, ठीक है, इन सबसे मिलता है, जो खट्टे होते हैं, नींबू, वंशीय फल, इनसे हमें विटामिन सी मिलता है। और आंवला जो सबसे रिचेस्ट सोर्स है विटामिन सी का, और इससे शार्पनेस ऑफ माइंड, दिमाग तेज होता है, और इम्यूनिटी बॉडी की बनाता है, और हमारी बॉडी को सही रखता है। जो यूरिन होता है उसके अंदर भी विटामिन सी होता है। अब इसकी वजह से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी की वजह से होता है, और एनीमिया भी होता है, यानी कि खून में कमी हो जाती है ना, खून की कमी, ठीक है। तो विटामिन सी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब तक आप हमने पढ़े विटामिन ए से लेके के तक के सारे विटामिन पढ़ लिए, एक्सेप्ट विटामिन बी। तो विटामिन बी के अंदर भी काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बी, विटामिन बी की और उसके पार्ट्स की बना दूंगा। तो उसके लिए प्लीज़ आप इसमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि यू वॉन्ट अ वीडियो और नॉट, है ना। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, सो थैंक यू गाइज़, हैव अ नाइस डे।